जय श्री राम। तुमसे मिलने को करे ये जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आपको हवाबाजी दिखाते हैं ना, प्राइवेसी की ना माँ बहन एक कर दी है, नंगा पुंगा। बस होश संभालना, बाकी सब ठीक है। हो बाप अच्छा, मेरे रोंगटे खड़े हो गया। सो बैक इन द बिजनेस, बैक इन द गेम, अनदर ईयर सेम मी। तो अनाउंसमेंट आप सभी लोग सुन चुके हो, अनाउंसमेंट से आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और जब आपके खुद के पास मोटिवेशन के लिए खुद की वीडियोस हो ना, बहुत अच्छा लगता है। 2022 को मैं याद कर रहा था और जिम जाने वाला हूँ, तो मैंने एक वीडियो देख लेता हूँ मोटिवेशन के लिए, और लगा यार 2022 में कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं। संकल्प सीरीज़ बनाई, जो एक बहुत हमारे क्लोज टू हार्ट है। 2X न्यूट्रिशन खुद का जो ब्रांड है उसकी शुरुआत हुई। मैं ओवरऑल एशिया चैम्पियन बना। तो 2022 कितना अच्छा साल था। 2024 में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, लाइफ इधर उधर है, बट फिर भी मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो समय बीत जाए वही अच्छा है। और आज बैक ट्रेन करेंगे जिम में, और मैं आपको जिम में एक शख्स से भी मिलवाने वाला हूँ जिसको मैं इस साल हराने का पूरा प्रयास करूँगा। और सुनाओ कैसे हो। आइए शुरू करते हैं। और एज यूजुअल पावर हाउस पिएंगे 15 ग्राम। और पावर हाउस पीने का तरीका तो पता ही है ना तुम्हें। तु 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। 15 नहीं, आज 20 पिएंगे, 20 ग्राम पिएंगे। तगड़ा वर्कआउट करना है आजकल। तु 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। जाएगी अब जान भी मेरी, आंख ना मारो। एक चीज भूल गया, ये 2X न्यूट्रिशन का रियल गेन्स है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा आप सभी लोगों से वीडियो के बीच में करूंगा। एक बहुत अच्छा वाक्य मेरे साथ हुआ है रियल गेन्स को लेके, वो मैं शेयर करूंगा। बट और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो कितने लोगों ने आइडिया लगाया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। और आइए शुरू करते हैं, चलो कम ऑन। मिलता हूं जिम में। मैं आ चुका हूं जिम में, और ये जैसे वो जेलर एक तख्ती दे देता है ना किसी इंसान को, तो इस साल की मेरी तख्ती है ये, 1 last time। ठीक है, और गेस किया आप सभी लोगों ने ये 1 last time क्यों है, गेस करते रहो। बट इसको रखते हैं अभी जेब में, शुरू करते हैं। और हाँ, एक शख्स को मैं इस साल हराने की बात कर रहा था, उससे मिलते हैं। और वो है ये शख्स, ये पिक्चर है 2015 की, और इस पिक्चर से आप सभी लोग गेस भी कर सकते हो कि मैं कौन सी चैंपियनशिप खेलने वाला हूँ, क्योंकि ये एक पेंडिंग बिजनेस है मेरा, जो पेंडिंग काम है, जो इस साल 100% पूरा हो जाएगा। एंड एज आई प्रॉमिस, हम करेंगे बैक ट्रेन। आइए शुरू करते हैं, कम ऑन लेट्स डू इट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लैट पुल डाउन। सेम 4 सेट करेंगे, ठीक है। पहला सेट मेरा वार्म अप सेट होगा, और दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा और चौथा फेलियर। बस आप देखते रहो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो पहला जो वार्म अप है, जितना मैं देख पा रहा हूँ,
बिना चश्मे के ना एक तो ये भी दिक्कत है। 40 kg, ठीक है। और वार्म अप में मुझे रेपिटेशन करने हैं 15, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15। कैसे हो आप सभी लोग? और इमोशनल हेल्थ ठीक है? लड़की का चक्कर तो नहीं है कोई? नहीं, कोई चक्कर नहीं है। प्रिपरेशन सेट करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन में मैं ठीक है थोड़ा वेट बढ़ा दूंगा और नंबर ऑफ रेपिटेशन 12। टू थ्री फोर फाइव 11, 12। और लास्ट वीडियो आए एक हफ्ता हो गया पूरा, और बॉडी में मुझे तो लगता है कि फ़र्क आ चुका है। वो हम पोजिंग करेंगे जो वीडियो के लास्ट में, उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस। एक हफ्ते में एक्चुअली इतना डिफरेंस पड़ जाता है। और कमेंट बॉक्स में आप लिखो तो सही, कौन सी चैम्पियनशिप एंड कितने वीक्स आउट। थोड़ी सी मेरी बॉडी पहले से टाइट होगी है, अब जैसे जैसे करूँगा पंप होगी। और हाँ, वो एक सप्लीमेंट की जो मैं आपसे बात करना चाहता था, जो 2x का रियल गेंस है, उसका एक इंसिडेंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ वो करता हूँ। थोड़ा पानी भी पीता हूँ। तो रियल गेंस की बात कर रहे थे, तो ये प्रोडक्ट जब डेवलप हो रहा था तो हमें था कि हमें हिंदुस्तान का पहला ऐसा वेट गेनर बनाना है जो बिना मोल्टोडेक्सट्रिन के बनेगा। बहुत चैलेंजेस थे बट बना तो दिया था। तो मैंने रेंडमली 200 लोग को खुद कॉल किया था और प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में जानने के लिए, और लोगों ने जो इसका रिव्यू दिया है प्रोडक्ट का, मतलब मेरे सुन के भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे कि लोगों को ये प्रोडक्ट इतना पसंद आया। क्योंकि हमने बिना मोल्टोडेक्सट्रिन के वेट गेनर बना दिया, क्रिटीन ऐड कर दिया, प्रोबायोटिक ऐड कर दिया, मल्टीविटामिन्स ऐड कर दिए, बट करने के बाद लोगों को कैसा लगा? तो मैं सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ दिल से इस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और एथलीट से एंटरप्रेन्योर का सफ़र, जैसा कि मैंने एक स्टोरी में शेयर किया था, बहुत मुश्किल है। बॉडी बनाना आसान था बट कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना बहुत मुश्किल था। बट आप सभी लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू। बट एक्सपीरियंस जो सुन के मुझे लोगों का रिव्यू मिला, मतलब हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आप में से जितने लोग वेट गेन करना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं और स्क्रीन पे एक कूपन कोड भी आपको दिख रहा होगा, जिस कूपन कोड के जरिए आप इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हो। बट एक बार जिनको वेट गेन करना है वो रियल गेंस ज़रूर ट्राई करें। और जिन्होंने ट्राई किया और वो फीडबैक मुझे दिए, थैंक यू सो मच। और फेलियर सेट करते हैं, तो अब एक्चुअल एक्सरसाइज शुरू होगी, क्योंकि अब मेरा आ गया फेलियर सेट और मैं कर रहा हूँ 80 kg से, और मेरा रेपुटेशन रेंज का टारगेट होगा 15। फाइव कमा 12, 13 तो उतना मुश्किल नहीं था, 15 कर लिए मैंने। बट इसको भी फेलियर नहीं कहेंगे, एज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि माइंड अभी जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इधर उधर भागता है, तो फिर उसको लाना पड़ता है। तो आई थिंक मैं थोड़ा और वेट बढ़ा के 15 रेपिटेशन तो कर सकता था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट सेट में बढ़ाता हूँ। और 2022 की वीडियो तो देख रहा था, बट अब ये नहीं पता ये 2024 आ गया, 2 साल उम्र और बढ़ गई है, पर और चैम्पियनशिप भी बढ़ी है। इतने से इससे ज़्यादा गैसेज मैं आप लोगों को दे नहीं सकता। बिगर चैम्पियनशिप ओल्डर मी, बट सेम मोटिवेशन, बिलीव इन कि तुम कर सकते हो। सो लेट्स डू इट। फेलियर सेट करूँगा जो कि होगा मेरा 4th सेट। सो मेरा अब नाउ नेक्स्ट फेलियर होगा 95।
और जिसमें मैं 16 रेपिटेशन करने की कोशिश करूँगा। तो यानी वेट भी बढ़ा दिया है और नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ा दिए हैं। बट हाँ, अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प ले लूँगा। वेट ड्रॉप करना पड़ा तो वेट ड्रॉप कर लूँगा। ये फेलियर है। थ्री हम टू हम फाइव कम ऑन सिक्स हाँ टेन। तो मैं 10 कर पाया, आज मुझे 16 करने दे तो मैं वेट कम कर लूँगा और 6 रेपिटेशन और करूँगा। इसको बोलते हैं ड्रॉप सेट। लेट्स डू इट, कम ऑन। 6 फाइव वन। हो, ये फेलियर था। एज लास्ट वीडियो में बात हो रही थी इमोशनल हेल्थ की, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के गैसेस किए होंगे कि, बट एक्चुअली इमोशनल हेल्थ सिर्फ नॉट रिलेटेड टू लड़की का चक्कर, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, बट इट्स रिलेटेड टू सो मैनी थिंग्स। थोड़ी थोड़ी मैं वीडियो के बीच में बात करूँगा, बट मैं ज़्यादा भावुक ना हो जाऊँ इसीलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। रीज़न बींग, अगर मैं उसकी डेप्थ में गया तो ये एक ऐसा समंदर है कि मुझे फिर पूरी नीचे बैठ के आना पड़ेगा और तब मैं आपको समझा पाऊँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अगली एक्सरसाइज करूँगा जो कि होगी बेंड ओवर रो। पहला सेट करूँगा, मैं बार लगा लूँ पहले। बेंड ओवर रो का पहला सेट कर रहे हैं और अब वार्म अप नहीं करेंगे, सीधा प्रिपरेशन सेट करेंगे। बहुत लाइट है, 15-15 किलो है। 12 रेपिटेशन करूँगा, अपनी फॉर्म चेक करूँगा कैसी है, उसके बाद वेट बढ़ाऊँगा। बहुत ही लाइट है, 12 रेपिटेशन, वेट ऐड करते रहेंगे। तो मैं एक 15 किलो की प्लेट और ऐड कर रहा हूँ, तो इस आदमी को हराना है इस साल। और मुझे लगता है कि आपका कंपटीशन खुद से ही हो, उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। दिल कहता है कि मिल जाऊं, दिल कहता है कि मिल जाऊं, दिमाग कहता है अबे रुक जा, यहाँ पे आके लोहा उठा। तो इमोशनल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना। दिल कहीं जाता है, दिमाग कहीं जाता है, दोनों को बहुत संतुलित करना पड़ता है। और जब संतुलित करना पड़ता है तो बहुत सारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो सेकंड सेट करता हूँ मैं अपना, इज अ काइंड ऑफ अ फेलियर सेट। नंबर ऑफ टारगेट रेपिटेशन का होगा 12, ठीक है ना। बट रिदम देखना, आपकी रिदम बनी रहनी चाहिए। बॉडी ठीक लग रही है मेरी? लेट्स डू इट, कम ऑन। सिक्स सेवन ट्वेल्व। तो बहुत ही हल्का था यार, सच में हल्का था। दैट्स नॉट अ फेलियर। तो लेट्स डू इट, कि इसको फेलियर तो करते हैं। पड़ रहा फर्क वीक दर वीक। तो फेलियर करने के लिए मुझे और वेट ऐड करना पड़ेगा, तो एक 15 किलो और ऐड कर लेते हैं। तो अब ये हो गया है 15 15 30, 15 45 और 45 90। रॉड का वेट नहीं गिन रहा हूँ, बट गिन लोगे तो 110 किलो। नंबर ऑफ रेपिटेशन मैंने बोला था कम नहीं होंगे। आज लास्ट वाले सेट में मैंने 12 रेपिटेशन किए थे, तो मैं इससे कम से कम 12 रेपिटेशन तो ज़रूर करूँगा, और अगर हो पाया तो 15 तक खींचूँगा। थोड़ा पानी पी लूँ क्योंकि 15 खींचना है। और अच्छा, मेरे को हंसी भी आएगी, तुम लोग बोलोगे क्या है आजकल ये गोल्ड प्ले
टिकट नहीं मिल रही, तो मुझे सच में नहीं पता गोल्ड प्ले क्या है। कोल्ड प्ले? देखो मुझे तो नाम भी नहीं पता, तो कोल्ड प्ले की टिकट नहीं मिल रही, फिर पता नहीं क्या है। मैं क्या गूगल पे सर्च करता हूँ ये कोल्ड प्ले है क्या। फिर फ़ोन खोला, सर्च करने लगा, फिर भगवान कसम सर्च करने का मन नहीं किया। मैंने कहा यार छोड़ ना, इसमें 5-7-10 मिनट लगेंगे, लेट्स नॉट डू इट। तो फिर मुझे ऑफिस में ही बताया किसी ने, गोल्ड प्ले कोई बैंड है, उनका कोई इवेंट होने वाला है, कॉन्सर्ट होने वाला है, फिर उसकी टिकट नहीं, पता नहीं मतलब। तो इससे हर बात से कुछ ना कुछ मैसेज है। इससे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ पता हो ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको अपने काम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आई थिंक मैं जैसे ये कॉम्पिटिशन खेलना चाहता हूँ, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, खुद के लिए करना चाहता हूँ, मेरा एक पेंडिंग बिजनेस बचा हुआ है जो मैं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं पता ही नहीं करना चाहता। तो आप भी शर्माया मत करो, मेरी की तरह इंग्लिश बोलनी नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी में अपनी बात रख सकते हो, बट हाँ ये पता चल गया गोल्ड प्ले नहीं होता, कोल्ड प्ले होता है। चलो भैया ठीक है, उनको भी बेस्ट ऑफ लक। जाएगी अब जान भी मेरी, आंख ना मारो। लेट्स डू इट, अब फेलियर होगा। वाहिगुरु, थोड़ा सा भारी होगा शायद। लेट्स डू इट, कम ऑन। Three, come on. Four. Left. 12. 14, come on. हर दिन सेम नहीं होता, किसी दिन तुम्हें अच्छा लगेगा, किसी दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बट किसी दिन तुम उदास हो जाओगे। बट उदास हो, अच्छे हो या बहुत अच्छे हो, एक चीज़ मत खोना कभी भी, कि जो करना है वो करना है। तो मैंने 15 कर लिए, बट हाँ 15 करते हुए मेरे माइंड ने दो बार सोचा कि कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। कनेक्ट हो पा रहा है मसल का, बट ये इसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ये साल ये कहीं घूमने चला जाता है। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल हेल्थ व्हाट आई एम वरीड अबाउट। सो इट्स नॉट अबाउट लिफ्टिंग, इट्स अबाउट कि जब आप लिफ्ट कर रहे हो आप मसल से कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। वो तभी पॉसिबल है जब आपका ब्रेन और आपका मसल, माइंड मसल का कनेक्शन स्ट्रांग हो। अब डोंट नो व्हाई ये मेरा कनेक्शन आज वैसा नहीं आ पा रहा, बट क्यों नहीं आ पा रहा उसको छोड़ते हैं। बट हाँ ये मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है अभी, तो मुझे ये करना है। तो इस बात से मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, आपका दिन कैसा भी हो यार, कुछ भी हो रहा हो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू, बट अपने गोल को अचीव करने के लिए जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना ज़रूरी है। ठीक है पानी पीते हैं, इसको दिमाग को लाते हैं। आजा भाई, मन कर रहा है दीवार चीर के कहीं निकल जाऊं। सो लास्ट सेट करते हैं, और जब मैं लास्ट सेट की बात कर रहा हूं तो आपने देखा लास्ट इससे पहले वाले सेट में मैंने 15 कर लिए, तो मैं 10-10 किलो और बढ़ाना चाहूँगा। एग्रेशन से काम चले हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठहराव की भी ज़रूरत होती है कभी कभी। नाउ दिस इज फकिंग हैवी, 15, 15, 30, 45 और 55, 110 kg लास्ट सेट है, तो मैं ड्रॉप सेट कर सकता हूँ। सोनू सूद की एक रील आई सामने जिसमें वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में कभी कभी एक मूड ऐसा आ जाता है जब ये समझ में नहीं आता कि पन्ना पलटूं या किताब बंद करूं। तो पन्ना पलटूं या किताब बंद करूं, किताब तो बंद नहीं करेंगे, पन्ने पलटेंगे,
और अगर पन्ने नहीं पलटे गए तो पन्ने और लगाएंगे, अपनी कहानी खुद लिखेंगे। Come on, let's do it, come on! The small lightweight, come on! Stop! Shh! Boom! Stop! Two, three, four, five, six. जो मैंने छह कर लिए तो मैं एक दस की निकाल दूंगा, थोड़ा ज्यादा ही हैवी हो गया था बट कोई बात नहीं, छह के बाद से काउंट करते हैं आप। सात, कम ऑन, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। That's called drop set and failure too. 12 के बाद से काउंट करो, आप सभी लोग काउंट करो मेरे लिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कहाँ गया कैमरा? 16 का टारगेट था, 20 कर लिए मैंने। सेकेंड एक्सरसाइज खत्म, लेट्स मूव टू थर्ड एक्सरसाइज, ब्रेक। और आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा एक ट्रॉफी के बारे में, बट क्योंकि लास्ट वीडियो में बात हुई थी दो ट्रॉफी की, तो दूसरी ट्रॉफी कौन सी आप सभी लोग वो गेस करो। 2025 चढ़ने से पहले पहले मेरे को ये दोनों ट्रॉफी चाहिए, बट पता नहीं क्यों ये एज वाली बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, और ये किसी ने नहीं बोला मेरे को, खुद से ही। और ये एवरी डे है, दो ट्रॉफी तो आएंगी बट ये 42 ईयर्स ये दिमाग में बैठ गया, तो खुद से ही लड़ाई है। सो आई वांट टू प्रूव, मन को बोलता हूँ एज इज जस्ट अ नंबर, बट व्हेन यू लिफ्ट वेट वांट बिल्ड मसल, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, एज इज एज, पता चलता है भाई। जब 28 साल के हो तो मसल बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, जब 42 के होते हो तो ग्रो होने की तो बहुत दूर की बात है, जो तुम्हारे बचे कुचे मसल हैं उन्हीं को रोक लो। लेट्स तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ वन ऑफ माई फेवरेट, टी बार रो, ठीक है। और वेट मैंने लिया है पहले ही सेट में 45, जो कि मेरा फेलियर नहीं होगा, प्रिपरेशन होगा। और मेरा जो रेपिटेशन का टारगेट है वो है 15। टू, थ्री, फोर, फाइव, 10, 11, 12, 13, 14, 15। प्रिपरेशन था बहुत ही लाइट, अब मैं वेट को बढ़ा लूँगा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एज की, कल ही मेरे साथ ऐसी घटना घटी, इतनी हंसी आई। तो मैं क्या करता हूँ, एग्स के साथ फ्रूट खाता हूँ, कोशिश करता हूँ सेब खाऊँ ज़्यादा या पपीता खाऊँ। तो सेब क्या होता है, हमेशा टिफ़िन में नीलम कट करके दे देती है, तो फोक लगाओ खा लो। कल बाय चांस फ्रूट नहीं आया तो मैंने मार्केट से एप्पल खरीद लिया, और जब खाने लगा एक दो तीसरे में माँ कसम दांत टूट गया। हंसी भी आई, शौक भी हूँ कि इस शख्स का सेब खाते दांत टूट गया है, और ये बात कर रहा है इसको चैंपियनशिप जीतनी है। तो कल एहसास हुआ कि यार, और फिर पूरा सेब खत्म करने में दांतों में दर्द हुआ, बट दांतों का मसल से कोरिलेशन है कुछ, बट फिर भी बात तो है। तो खुद को ही कह रहा था, मैं हंस रहा था, सेब खाने से दांत टूट जाते हैं इनके चैंपियन बनेंगे, बट बनेंगे तो सही, ये तो खुद से कमिटमेंट है। तो टी बार रो में वेट बढ़ाते हैं, फेलियर सेट करते हैं, और मेरा टारगेट रेपिटेशन का 15 से कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वेट बढ़ गया तो नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है वो कम कर लूँगा, ना 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 ना, चाहे जबान बाहर आ जाए, 15 करने हैं। बजरंग बली
15 रेपिटेशन, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, जबान बाहर आ जाए, 11, 12, 13, 14, 15, जबान तो बाहर नहीं आई बट 15 हो गए। और ये ईगो लिफ्टिंग नहीं है, मेरा रेंज एज पर माय मसल इज एब्सोल्युटली फाइन, और यही होता है जब आप सिल्वर जुबली बनाते हो अपने कॉम्पिटिटिव कैरियर की, क्योंकि मुझे 26 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, तो आई नो कितना ईगो तक हिट करना है। तो आप सभी लोग ईगो लिफ्टिंग से बचा करो, इतना ईगो में मत आ जाना कि इंजरी हो जाए। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, बट अगर लड़की का चक्कर है भी तो भी क्या, नाम जानना है तुम्हें। टी बार रोका, लास्ट सेट करते हैं, वजन बढ़ाते हैं। लो जी 15 and 15, नाउ यू कैन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो जोश को संभालना बस एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, उतना जोश संभालना है कि होश ना उड़ जाए, क्योंकि जरा सी चूक हुई नहीं और ये गया, और ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बेल्ट बांध लेते हैं। और एक और बात बताऊं, मैं इस जर्नी के अंत में एक्चुअली आपके साथ शेयर करूंगा विच इमोशनल हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किस इमोशनल हेल्थ की बात कर रहा हूं। तो इस सेट में मेरे पास चैलेंज है कि मुझे 16 रेपिटेशन करने हैं, बट गुड पार्ट ये है कि मैं वजन को कभी भी कम कर सकता हूं, सो दैट मीन्स दिस इज माई ड्रॉप सेट। बस होश संभालना, बाकी सब ठीक है। हो सात, सात के बाद से काउंट करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12। लाइट हो गया अभी, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो मुझे 16 करने थे, 18, दो रेपिटेशन एक्स्ट्रा कर लिए, और एक और बात बताऊं, सच्ची कड़वी सच्चाई, ये जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आपको हवाबाजी दिखाते हैं ना अपनी, एक्चुअल उसका विपरीत होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, बट जो सोशल मीडिया पे आपको देख के लगता है यार वाओ इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, जब आप उसके साथ बैठोगे, जब कैमरा नहीं होगा और उससे जानोगे, मुझे लगेगा यार ये तो इसका विपरीत है। जैसे मैं कैमरे के सामने ये तो कन्फेस कर रहा हूँ ना कि आई एम नॉट इन माई गुड मेंटल स्टेट, तो यानी मैं एक्चुअली आपको वो दिखाना चाहता हूँ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मैं किस जज्बात से गुजर रहा हूँ। बट फिर भी किसी भी जज्बात से गुजरूं, फिर भी इस लोहे से लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और इस लोहे से लड़ के मुझे सिर्फ एक ही प्राप्ति होगी कि आई विल बी चैंपियन अगेन सून, और साल खत्म होने से पहले एटलीस्ट मुझे लगेगा कि इस साल मैंने कुछ तो अच्छा किया। बट ये बात का प्रॉमिस है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, कि मैं ये नहीं बोलूं वाह क्या मजा आ रहा जिंदगी में, घंटा
फोर्थ एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो फोर्थ एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ अब मिड रो, क्योंकि दो ही सेट करने और दोनों फेलियर सेट होंगे, तो मैं वेट पहले ही में जितना मैं देख पा रहा हूँ चश्मे के बिना 90 किलो है। एक तो ये बिना चश्मे के ना बहुत दिक्कत है, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव टेन, कम ऑन फाइव मोर, फाइव फोर थ्री टू वन। अच्छा सेट था, बहुत ही कंट्रोल। अब जो मैं बेंड ओवर रो टी बार में कंट्रोल कह रहा था मिसिंग था, अब मेरे को लगा आफ्टर थ्री एक्सरसाइज दैट कंट्रोल इज बैक अगेन, दैट मीन्स आई एम बैक। इसी बात पे वजन को 100 किलो करने का मन कर पड़ा, ठीक है। 100 किलो फेलियर सेट, और क्योंकि दो ही सेट करने हैं तो लास्ट सेट है। बाप चू 15 करने हैं, कमान 3 4 5 10, ये बनेगा अपना ड्रॉप सेट। 10 कर लिए वेट को कम करके, मैं ये चेक नहीं करूंगा मैंने कितना कम किया, 4-5 कम कर दिए, और 16 का प्रॉमिस था, 10 के बाद से काउंट करते हैं। बैक स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6, 16। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये मेरा पर्चा मेरे साथ ही है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, दिल कहता है मिल जाऊं, दिमाग कहता है रुक जा, कहां प्यार मोहब्बत में पड़ गया। और यंगर जनरेशन को मैं ये सलाह देना चाहूंगा, कुछ भी हो दिल मत लगाना, दिल मत लगाना ना किसी वस्तु से ना किसी मनुष्य से। सो मैं अपनी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ गया हूँ, बस क्विकली अब हम करेंगे वन आर्म डंबल रो। पहला सेट मैं कर रहा हूँ, ये वेट है 40 किलो और मेरा रेपिटेशन का टारगेट है 12। 1 2 3 4 5 11 12 13 14। एक्चुअली मैं ये मिस कर रहा था बेंड ओवर और टी बार में कनेक्ट, अब मैं जब पता चल पा रहा है जब भी मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूँ हर सिंगल रेपिटेशन आई कैन फील। दूसरे हाथ से भी मैं 14 रेपिटेशन करूँगा, पैर देख लेना कैसे रखे हैं, डंबल को कितना लिफ्ट किया, लोअर लैग पर काम करना है। 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15। और मैं वेट बढ़ा लूँगा, अब मैं 45 कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उससे 14 रेपिटेशन कर लिए थे। तुमसे मिलने को दिल करता है, अब कोई पसंद नहीं है, डंबल पसंद है, 45 का 12 रेपिटेशन, लेट्स डू इट, कम ऑन देखो 1 2 3 4 5 6 7 11 12। देखा क्या था, रूई से भी हल्का। तुमसे मिलने को करे, ठीक है 12 कर लिया मैंने, लेट्स डू इट, कम ऑन 12 करते हैं, 12
11 मक्खन 5 7 8 9 11 12 लेट्स मूव टू लास्ट एक्सरसाइज। इससे पहले लोग मुझे बाहर निकाल दें, जिम से बाहर निकल, 2 घंटे हो गए म्यूजिक बंद है, फटाफट श्रक्स करते हैं, निकलते हैं। फाइव सिक्स चौदह तुम स्क्रॉल डाउन करते हुए क्या देखते हो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे माइंड पे, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत सोच समझ के देखा करो यार। लेट्स डू इट 15 रेपिटेशन ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 बार फिसल गई हाथ से, कोई बात नहीं दोबारा उठाए अंदर। 2 रिकवरी इज इम्पॉर्टेंट, तो हम आ चुके हैं अपने रिकवरी सेशन में, रेड लाइट थेरेपी एंड WPC। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये होता क्या है। बट जो भी करना पड़ेगा ना इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए सब करेंगे। फिलहाल के लिए तो रिकवरी हो गई, और इस रिकवरी का कितना बेनिफिट हुआ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, और वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं एक्चुअल जैसे आप मतलब कर रहा हूँ ट्रेनिंग रिकवरी सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना। प्राइवेसी की ना माँ बहन एक कर दी, नंगा पुंगा बट कोई बात नहीं, स्टेज पे भी तो नंगा ही चढ़ेगा आदमी कॉस्ट्यूम में। बाय, लव यू।